अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारे पास कल हमने किया था एक्सरसाइज 5.3, उसमें जो क्वेश्चन थे हमने यूनियन इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट किए थे। आज हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4। पहले मैं आपको बता देता हूँ उसमें जो इंक्लूडिंग क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 में उसने कहा है 3a माइनस 2a अगर तो ये दोनों ऑर्डर पेयर आपस में इक्वल हैं, तो उसकी फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल होगी, सेकंड के 3-2a इक्वल होगा a-1 के, और उसका ऑर्डर पेयर का सेकंड वैल्यू है b-1 किसकी इक्वल होगी 2b+5 से। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन बनती है, पहली आती है 3-2a इक्वल टू a-7 और जो सेकंड वैल्यू है सेकंड इक्वेशन बनती है b-1 इक्वल टू 2b+5। इन ऑर्डर पेयर में उसने कहा कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है a और b की। अगर तो 3-2a a-7 के इक्वल है, यहां से a की वैल्यू चाहिए, 2a प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है 3 के साथ, a के साथ हो जाएगा प्लस, a प्लस 2a आपके पास आ गया 3a, 7 a के साथ माइनस हो रहा था 3 के साथ हो जाएगा प्लस, 7+3 10, हमें वैल्यू a की चाहिए, 3a के साथ मल्टीप्लाई है 10 के साथ हो जाएगा डिवाइड, तो a की वैल्यू आ जाएगी 10/3। सेकेंड वैल्यू को सॉल्व करते हैं, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ रही थी b-1 = 2b+5k, यहाँ से हमें b की वैल्यू चाहिए, एक ही वेरिएबल इस इक्वेशन में है, b यहाँ प्लस हो रहा है तो b के साथ क्या हो जाएगा माइनस, 5 प्लस है 1 के साथ माइनस, -1 -5 कितना होता है -5 + 5 = 6, साइन आएगा माइनस का, 2b में से b माइनस करेंगे b आ जाएगा, b की वैल्यू आ गई -6, और जब हमारे पास वैल्यू आएगी a और b की वो आएगी 10/3 और -6। इसी एक्सरसाइज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 और उसका सेकंड पार्ट है, जिसमें उसने कहा है x और y आपको रिजल्ट दिए गए हैं, x में है a b और c और y में है d और e, आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है y क्रॉस x फाइंड करना है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तब ऑर्डर पेयर बनते हैं, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में इक्वेशन को लिखेंगे तो बेटा a के ऑर्डर पेयर बनाएंगे d और e के साथ, सॉरी y क्रॉस x कर रहे हैं, d के ऑर्डर पेयर बनाएंगे a b और c के साथ, इसी तरह e के ऑर्डर पेयर बनाएंगे a b और c के साथ, फर्स्ट ऑर्डर पेयर आएगा d a, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर आएगा d b, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर d और b, थर्ड ऑर्डर पेयर आएगा d और c, d का तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाए d a d b और d c, इसी तरह उसके बाद नेक्स्ट सॉल्व करेंगे e को d a e b और e c, इसमें टोटल पॉसिबल जो ऑर्डर पेयर थे वो कितने, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कैसे फाइंड कर सकते हैं, 2 नंबर, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, यहां 3 है, 2 3 6, इसमें जो टोटल ऑर्डर पेयर बनेंगे वो 6 बनेंगे। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 5.4 और इसमें थे ये क्वेश्चन, अगर यहाँ इश्यू हो तो पूछ सकते हैं, उम्मीद है नहीं होगा। अब आगे चलते हैं बेटा जी एक्सरसाइज, इसकी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज पे, और वो है हमारे पास एक्सरसाइज 5.4। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं फंक्शन के बारे में, रिलेशन के बारे में, बाइनरी रिलेशन के बारे में, कुछ थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा उसमें, ये क्वेश्चन इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.5 पे जा रहे हैं, उसके पहले आउटलाइन बता दूं जो हमने करनी है। एक्सरसाइज 5.5 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जिसका पार्ट नंबर 1, 2 और 3 करना है। एक्सरसाइज 5.5 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जिसका हमने पार्ट नंबर 2 और 3 करना है, उम्मीद है हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, उसके 5 पार्ट और आप जानते हैं 5 का पार्ट मैं करवाने वाला नहीं हूं। इसमें उसने कहा है सेट ऑफ एल, उसकी जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए बी और सी, उसके साथ उसने सेट ऑफ एम दिया है, उसके एलिमेंट्स हैं डी ई एफ और जी, और उसने कहा आपने वैल्यू फाइंड करनी है एल क्रॉस एल फर्स्ट पार्ट में, एल क्रॉस एम सेकंड पार्ट में और एम क्रॉस एम थर्ड पार्ट में। अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, उसने कहा वैल्यू फाइंड करनी है एल क्रॉस एम, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे ऑर्डर पेयर बनेंगे, एल क्रॉस एम चाहिए पहले सेट ऑफ एल ए बी और सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का साइन, देन सेट ऑफ एम
डी ई एफ और जी। ऑर्डर पेयर बनेंगे ए के डी ई एफ और जी के साथ, इसी तरह बी के डी ई एफ और जी के साथ, इस तरह सी के डी ई एफ और जी के साथ। सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पेयर बेटा ए और डी, नेक्स्ट ए ई ए एफ ए जी, ए के चलो ऑर्डर पेयर बनाएंगे। उसके बाद जी की बारी है, बी डी बी ई बी एफ बी और जी, इसी तरह नेक्स्ट सी सी डी सी ई सी एफ और देन सी जी। यही इसके ऑर्डर पेयर जो बन सकते थे। इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने होते हैं यह चेक करना हो, थ्री एलिमेंट्स एल के हैं, फोर एलिमेंट्स एम के हैं, थ्री फोर डॉट ट्वेल्व, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बने हैं वो ट्वेल्व बने हैं कि नहीं है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्व। हमारे पास एल क्रॉस एम, उसका फर्स्ट पास पार्ट एल क्रॉस एल और उसका थर्ड पार्ट एल क्रॉस एम, तो आप करेंगे। आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव में उसने कहा जो सेट ऑफ एल है एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन इक्वल्स टू फाइव, इसका मतलब क्या है? इसे अगर हम उसके मेथड देखने जाए, इसे एक्स बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर सेट शुरू होता है वन से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अप टू सो ऑन। उसमें कंडीशन उसने दे दी कि जो x है वो लेस देन इक्वल्स टू फाइव है, लेस देन इक्वल्स टू फाइव का मतलब है x भी फाइव भी इंक्लूडिंग है, तो जो l के जो नंबर आएंगे वो आएंगे वन टू थ्री फोर और फाइव। इसी तरह उसने सेट ऑफ m दिया, उसने कहा y और y बिलोंग्स टू प्राइम नंबर एंड y लेस देन 10, उसने कहा 10 से छोटे सारे के सारे प्राइम नंबर बाय एम में इंक्लूड है, तो प्राइम नंबर कहां से शुरू होते हैं बेटा? ये 2 3 5 7 नेक्स्ट 11 आते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन थी 10 से छोटे आधार कितने हैं, तो इसमें जो पहले चार प्राइम नंबर आएंगे ये सेट ऑफ एम है। तो उसने कहा आपने आर 2 फाइंड करना है इसके सेकंड पार्ट में, और उसकी कंडीशन उसने बता दी एक्स एंड वाई एंड वाई इज इक्वल्स टू एक्स, और उसने स्टेटमेंट में उसे कहा कि जो रिलेशन है वो एल से एम की तरफ है एल टू एम, तो उसके लिए हमें फाइंड करना है एल क्रॉस एम। एल क्रॉस एम करेंगे पहले सेट ऑफ एल आएगा वन टू थ्री फोर फाइव क्रॉस एम, सेट ऑफ एम आएगा टू थ्री फाइव एंड सेवन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, ऑर्डर पेयर वन टू वन थ्री वन फाइव वन सेवन टू 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 थ्री टू फाइव टू सेवन, उसके बाद ये दोनों सॉल्व हो गए थ्री थ्री टू थ्री 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 फाइव थ्री सेवन। उसके बाद बारी है बेटा की फोर की, फोर टू फोर थ्री फोर फाइव फोर सेवन, और लास्ट हमारे पास फाइव आ गया फाइव टू फाइव थ्री फाइव 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 सेवन। इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर पे कितने आ सकते हैं? फाइव इसके एलिमेंट्स हैं, फाइव फोर जो है ट्वेंटी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन और ये ट्वेंटी, एल क्रॉस एम आ गया। अब इसका पार्ट नंबर सेकंड पहले सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट नंबर सेकंड है, उसने कहा आर टू जो बाइनरी रिलेशन है, बेसिकली बाइनरी रिलेशन सबसेट होता है एल क्रॉस एम का या एम क्रॉस एम जो भी उसने रिलेशन दिया हो, इसका बाइनरी रिलेशन वो सेट है जो इसका सबसेट हो और उसमें कंडीशन दी हुई है उसने कि y इज इक्वल्स टू x, तो बेटा R2 में R2 के सेट में
सिर्फ और सिर्फ वो ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें x और y की वैल्यू सेम होगी। अब x और y की वैल्यू सेम कहां पे है, 2 2 3 3 5 5। तो हमारे पास जो r2 आएगा वो आएगा 2 2 3 3 5 5। ये हमारे पास था r2 और इसका सेकंड पार्ट था। अब उसने कहा इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करना है और वो है r3 x एंड y एंड x प्लस y इज इक्वल टू 6। कुछ ऐसा ही है x एंड y एंड x प्लस y इज इक्वल टू 6। इसका मतलब ये है यहाँ पे इस सेट r2 में, इस रिलेशन r3 में, इस रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ वो ऑर्डर पेयर आएंगे जिन दोनों का सम 6 हो। चेक करना शुरू करते हैं 1 प्लस 2 3 नहीं 4 नहीं 1 प्लस 1 और 5। इसका जो फर्स्ट r3 का जो फर्स्ट नंबर आएगा बेटा जी वो आएगा 1 और 5, क्योंकि इन दोनों का सम 6 है। 1 7 नहीं, 2 2 नहीं, 2 3 नहीं, 2 5 भी नहीं, 2 7 भी नहीं है। 3 एंड 3 3 प्लस 3 6। उसके बाद आएगा बेटा जी 3 7 4 4 प्लस 2 4 और 2। नेक्स्ट ऑर्डर में आएगा बेटा जी 4 और 2, 4 3 4 5 4 7 9 2 5 2 5। और किसी का सम भी 6 के इक्वल नहीं है। यही हमारे पास पॉसिबल जो उसके बाइनरी रिलेशन में मेंबर से या ऑर्डर पेयर से जिनका सम 6 के इक्वल है। ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 की दो पार्ट इंक्लूड है, क्वेश्चन नंबर उसका पार्ट नंबर सेकंड और थर्ड। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। रिव्यू एक्सरसाइज आएगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से क्लियर होगी।